बनने का है, फिर आज हम आ जाओ। हरि बोल, हरे कृष्ण। तो एक एक दूसरे माइक दो ना, ये माइक ये तार तार में खराब है। हरे कृष्ण, आ जा आ जा। हरि बोल, ये बस आ जा आ जा। जगन्नाथ कहे हो ना, कहीं कहे हो। हरे कृष्ण, हाँ यार। ये देखो, ये रोज रोज अकेला अकेला बोल रहे, तुम लोग करते हो, दिन भर करते हो ये काम धाम है। लो आज दो दिन के बाद जनार्दन कलश बनाएगा, दो दिन के कल तुम्हारा यज्ञ है ना, यज्ञ वाहन रात भर रात भर रात भर बड़ाई करना, कल बोलना। और तुम दोनों भी बोलना। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। सबसे पहले हम अपने गुरु पार्षदमा ओम विष्णु पार्षदमा इधर गुरु सभी गुरु महाराज जी के चरण में साक्षात नंदन प्रणाम कर संत हरे कृपा कृपा वंश करता हूँ। तत्पश्चात पर गुरुदेव वर्ग चतुरी राम प्रविष्ट ओम विष्णु पार्षदमा महाराज नहीं, वो सब आवाज बोलो बाद। चल रहे देखो ठाकुर जी के माखन चोरी नहीं जाते। तो हम कल श्रवण किए कि ठाकुर जी अभी पहले तो 6 दिन में पूतना का वध किए, फिर त्रिणावत का वध किए, और फिर उनका नामकरण हुआ कृष्ण बलराम का। कुछ दिन के पश्चात कृष्ण नर्वत लीला करने लगे। तो यहाँ पे ब्रह्म संहिता में बोला गया है कि लोकवत लीला कर रहे हैं, कि ठाकुर जी जो लीला करते हैं वो लोकवत लीला, क्योंकि उसमें अश्चर्य छुपा हुआ बहुत बहुत सारा माधुर्य रहता है, माधुर्यमय लीला। तो माधुर्यमय लीला क्यों करते हैं कि भक्तानां विनोदाय करोति विविधं, क्योंकि भक्तों को विशेष रूप में आनंद प्रदान करने के लिए ही कृष्ण ये सब लीला करते हैं। एक एक समय के बाद गुरुदेव बता रहे थे कि कृष्ण जब थोड़े थोड़े चलने शुरू किए, थोड़ा थोड़ा चलते हुए देखा कि एक बछड़ा था, तो बछड़ा का जो पूंछ था उसको कृष्ण ने पकड़ लिया। अब जैसे बछड़ा को पूंछ को एक छोटा बच्चे जैसे पकड़ता है तो क्या होता है, बच्चे जोर से छलांग लगा जाता है और भागने लगता है। तो कृष्ण भी उनके पूंछ को जोर से पकड़े छोड़ने रहे, और बछड़ा भाग रहा है, कृष्ण पूरा धुंध में उसमें घसीटते उसके पीछे पीछे जा रहे छोड़ने रहे। अब इतने में कृष्ण ने रो दिया, और कृष्ण जब रोना शुरू किए तब माया यशोदा और जितने गोपी थे वहां से आके देखते हैं कि कृष्ण रो रहे हैं, और वो बछड़े को कहीं जैसे जैसे करके कृष्ण को उधर से छुड़ा के लेके आए, और उधर से कृष्ण को बोल रहे कि यशोदा मैया बोल रहे कि क्या तुमने इतना कमजोरी हो चुके हो, तुमको मैं इतना माखन मिश्री खिलाता हूँ, तुम इतना कमजोरी हो चुके हो। तो यहाँ पे ठाकुर जी जो जिस ठाकुर जी ने गिरिराज जी को धारण कर लिया अपने बाम हस्त के कनिष्ठ अंगूठी के जो अग्र में, और जिस ठाकुर जी ने 6 दिन में ही पूतना का वध कर दिया, क्या उनमें इतना बल नहीं है कि बछड़े के पीछे ऐसे भाग रहे हैं,
तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भक्तानां विनोदाय करोति विविधं क्रियां, कि ठाकुर जी बहुत सारा क्रिया ऐसे करते हैं जिसे नर्वत लीला करते हैं केवल की केवल अपने भक्त को आनंद प्रदान करने के लिए। अब एक समय के बाद है जब ब्रजगोपी सोच रहे हैं कि जब कृष्ण जितने भी लीला करते हैं वो सब कहाँ करते हैं, ब्रजगोपी घर में माखन चोरी लीला करते हैं तो वो सब कौन देखते हैं ना, ब्रजवासी देखते हैं। लेकिन जो नंद बाबा की पत्नी जो यशोदा मैया और रोहिणी माता वो हर समय घर के काम से घर में ही करते रहते हैं तो वो सब वो आनंद को ठीक से आस्वादन नहीं कर पाते। इसलिए एक बार सबके सब ब्रजगोपी मिलके मैया यशोदा के पास जाते हैं और कृष्ण का शिकायत करते हैं क्या कि बसान मुखान कश्चि समय क्रोध सज्जा के बहुत सारे ब्रजगोपी एकत्रित होकर बोलते हैं कि देखो देखो यशोदा मैया तुम्हारे कृष्ण क्या करता है, ब्रज में पूरा उथल पुथल मचा के रख दिया है, बहुत नटखट है। क्या करता है ना, बसान मुखान कश्चि समय कि बछड़े छोड़ देता है, बछड़े को जो ग्वाल वालों से क्या कहते हैं जो बछड़े जो रहते ना उनको खोल देता है। तो मैया बोलते हैं कि तो बड़े अच्छे बात करते हैं, तो काम के बात करते हैं, बछड़े खोल देता है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि यशोमती मैया की बात सुनकर बोलते असमय समय असमय क्या करते हैं ये बछड़े खोल देता है। अब इसी बहाने में जब ये बछड़े खोल देता है तब उनके घर में जिस गोपी के घर में बछड़े खोल दिया असमय वो जाके दूध पान कर लेगा। उसी समय पे जब गोपी भागते हुए बछड़े को पकड़ने आते हैं तो कृष्ण अपने सखा के साथ उसी गोपी के घर में जाके चोरी माखन चोरी लीला करते हैं। फिर आगे बोलने की तेयम त्वादयम तथम दधिपयो कल्पितं तेन यज्ञम कि ये कैसे चोरी करते हैं। मैया बोलते हैं तो मेरा तो इतना छोटा सा लड़का मतलब छोटा सा लाला है वो कैसे चोरी कर सकता है। पीछे करो तो वो कैसे चोरी कर सकता है। तब यहाँ पे बता रहे हैं ब्रजगोपी लोग बोल रहे हैं कि वो अकेले चोरी थोड़ी ना करता है, सबसे जो मोटे हैं कौन ना दाऊ जी उनको पहले नीचे रख देते हैं और उनके एक उसके ऊपर एक तका उसके ऊपर एक तका उसके ऊपर एक तका ऐसे करते करते सबसे लास्ट में कृष्ण चले जाते हैं और मक्खन चोरी करते हैं। पर चोरी नहीं करते हैं और क्या करते हैं कि मरकान भोख्यान विजयती सब चित्रार्थ भांडम मेहनती के बंदरों को खिला देते हैं। चोरी तो करते हैं खुद तो खाते हैं लेकिन बंदरों को भी खिलाते हैं। बोले बंदरों को क्यों खिलाते हैं, यहाँ पे गुरुदेव बता रहे थे कि राम अवतार के समय में जितने भी बानर थे वो राम जी के बहुत सेवक थे लेकिन राम जी ने उनके लिए विशेष रूप में कुछ ऐसा मधुर लीला नहीं कर पाए। तो यहाँ पे बोलने की तुम बंदर लोग को बोलते हैं ठाकुर जी की लोग तुम भी हुई त्रेता युग में जो तुम्हारे मनोविष्ट था अभी तुमको मैं पूरा कर रहा हूँ। अब बंदर को तो खिला दिया, अब क्या करते हैं कि भांडव भी नकती जब सब खाना पीना हो जाता है सब सखालों को दे देते हैं जब बंदरों को खिला देते हैं तब ये मटकी भी नहीं छोड़ते वो खाली मटकी को भी क्या करते हैं भांडम बेनती भांग मतलब तोड़ फोड़ करते हैं। तब यहाँ पे बोलते हैं कि मटकी फोड़ और कृष्ण देखते हैं तो यहाँ पे यशोदा माँ बोलते हैं कि आप एक काम करो आप खाली मटकी रखा करो। तो यहाँ पे कृष्ण बोलते हैं कि देखो ये मटकी अगर ब्रजगोपी बोलते हैं कि तुम मटकी क्यों फोड़ते तो कभी ब्रजगोपी यहाँ पे बता रहे हैं कि खाली मटकी भी रख देते हैं। तो वहां पे कृष्ण जाके देखते हैं मटकी में कुछ नहीं रहता तब कृष्ण बोलते हैं कि देखो तुम अगर मटकी में अगर कुछ नहीं रखोगे ना तुम्हारे घर पे मैं आग लगा दूंगा ऐसे वैसे कृष्ण उनको धमकाते हैं। फिर आगे चलते हैं कि हस्त ग्राहो रचयते विधिम पीठ केलो कलाओ कि कृष्ण बोलते हैं कि देखो ये यहाँ पे क्या करते हैं कि जिसको ज्ञानी लोग भी जो उनको उनके भावना को समझ नहीं पाते जिसको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं वही ब्रह्म साक्षात भगवान क्या करते हैं कि विशेष रूप में जब चोरी करने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे जसदा मैया यहाँ पे प्रश्न पहले उठता है कि जसदा माँ बोलते हैं कि आप एक काम करो तुम कृष्ण जब चोरी करने जाता है तुम वो सब जितना भी मटकी है जितना भी चारल लहूणी जितना भी दधी है वो सबको क्या करो एक कारगार अंधेरे में गृह में भर्ती कर दो
कृष्ण डर के मारे वहां पे जाएंगे ही नहीं। तब यहाँ पे बोलने के हस्तक राहु रचे पीठ पेड़ खुलाओ कि हे यशोदमा आपने जिस पद्मगंधा जो खटोला पहना है कृष्ण को और जो अलंकार पहना है जब ये कारागार में घुसते हैं तब यहाँ पे जब ये पूरा अंधेर काल कोठरी में घुसते हैं जहाँ पूरा अंधेरा रहता है तब इनके जो शरीर के जो अंग में जो पहना हुआ जो अलंकार जो मणि वो इतना तेज हो जाता है कि पूरा का पूरा कारागार उजाला हो जाता है तो ये आसान से चोरी कर सकते। और ये दूसरा भाव बोलते हैं कि कृष्ण कौन है ना श्याम सुंदर स्वरूप यद्यपि कृष्ण के जो वर्ण है कृष्ण वर्ण काले स्वरूप होने पर भी जिनको अंदर से क्या होता है जिनके शरीर से नख के अग्रज से छीका निकलता है जो ज्योति निकलता है वो पूरा का पूरा जो अंधेरे ग्रह में जाने से भी वो पूरा आलोकित हो जाता है। फिर बोलते हैं कि काले गोप्य जगे गृह चित्ता तो अति में ऐसा बहुत सारा बता के ब्रजगोपी लोग सब यशोदा माँ को शिकायत करते हुए बोलने की अभी से अगर तुम इसको सुधारोगे नहीं तो ये जाके आगे बहुत बदमाश होगा बहुत नटखट होगा। फिर ब्रजगोपी बोलते हैं ये तो मटकी भी चुराता है लेकिन ये सबसे और भयानक क्या करता है कि जो लड़की जाते हैं उन लड़की का जो चोटी को ये कभी पकड़ लेता है कभी ये उनका जो वस्त्र को खींच लेता है इसीलिए तुम इनको शासन करो। अब जब गोपियों ने यशोदा माँ को कृष्ण के सारे लीला बताए फिर भी यशोदा माँ शासन क्यों नहीं करता ये प्रश्न उठता है। यहाँ पे उत्तर दे रहे कि इनके जो वास्तविक भाव है ये मतलब शिकायत करना नहीं है इनका जो विचार है ये यशोदा माँ को वो सब लीला के बारे में सुना सुना के कृष्ण क्या करते है क्या नहीं वो आनंद प्रदान करना तो इसीलिए यशोदा माँ तो शासन नहीं करते ये मन में सुन सुन के बहुत बहुत आनंदित होते हैं। दूसरे बात बता रहे थे कि यह तो सुखदेव गोस्वामी के बाद हमारे गुरुदेव बता रहे थे कि गर्ग संहिता और बिल्व मंगल ठाकुर के विशेष विकेत माखन चोरी का लीला गुरुदेव बताया करते थे कि एक माखन चोरी का दृष्टांत अगर देखे कि कृष्ण सबसे पहले अपने घर में तुम लोग एक एक कथा सुना सकते हो ये तो यहाँ की सुना उसके बाद में एक माखन चोरी सुना उसके बाद में आप पहले तो बहुत बार सुनेगा आप एक एक सब एक एक कथा सुना ठीक याद करो क्या सुना आप जो छोड़ देगा उसको बोलना। यहाँ पे अन्य अन्य जितने भी पुराण है जो गर्ग संहिता है विशेषकर गर्ग संहिता में गर्गाचार्य यहाँ पे एक उदाहरण देते हैं। पहले तो ये ठाकुर जी जो है जब चोरी करने जाएंगे तब ठाकुर जी सोच रहे हैं कि इतना बड़ा काम करूंगा मैं थोड़ा लेकिन अपने घर ही हाथ साफ करना इसीलिए वह क्या करते हैं अपने घर में ही सबसे पहले चोरी करना प्रारंभ करते हैं। कैसे चोरी करते हैं घर में घर साफ नहीं कर लो अपना घर में चोरी करके हम देख लेते हैं हम पकड़े में आते हैं कि नहीं तभी हो गए तो फिर कैरियर सक्सेस हो जाएगा नहीं हुआ तो भी देखा जाएगा। इसलिए एक दिन कृष्णा जब बहुत छोटे थे तो जो जिस घर में मक्खन की जो दधि भांड वगैरह सब रखा हुआ था वहां पे गए जो नंदा बाबा के महल के स्तंभ हैं वो सब मणि विभूषित है जैसे हम लोग टाइल्स वगैरह लगाते हैं तो मणि के द्वारा जड़ित हुआ तो स्तंभ है। अब कृष्ण तो अब बहुत छोटे हैं और इतना बालकों के अंदर बुद्धि नहीं होता अपने परछाई को ठाकुर जी नहीं समझ पा रहे इधर चोरी करके मक्खन जब हाथ में लेकर खाने लगे और खा करके जैसे ही उस मणि स्तंभ के सामने पहुंचे अरे ये क्या हो गया मैं चोरी करने के लिए आया मेरे से भी बड़ा चोरी से बड़े कौन है जो पहले ही आप गुस्से हो गए तो देख करके ठाकुर जी उड़ाचंभित होकर के उससे पूछ रहे हैं कहां से आया क्या नाम है तू भी क्या मेरे से जैसा चोरी करने के लिए आया क्या तो मैया यशोदा ने बाहर से सुनी घर में तो कोई है ना अब ये लाला मेरो किसके साथ छुप 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 के बात कर रहा है देखो तो सही जैसे माँ अंदर आया और थोड़ी सी किवाड़ को खोल के देखा और कृष्ण क्या कर रहे हैं अपने परछाई के साथ बात कर रहे हैं मैया को तो मैया बहुत कौतुक भावन के अंदर और जैसे अंदर आए अब ठाकुर जी तो देख करके डर गए और डर के मारे क्या कर दिया जो मक्खन था उसको अपने पीठ पीछे ऐसे छुपा लिया छुपा करके मैया को कह रहे हैं मैया मैया दूसरे उंगली से के देखो ये जो है ये चोरी कर रहा था और मैं इसे पकड़ रहा था अब देखो अब ठाकुर जी जैसे ही उसको दिखाते हैं वो भी दिखाते हैं
और ठाकुर जी क्रोधित होकर के कहते हैं कि भैया देख कितना ढीठ है ये, एक तो चोरी करता है और ऊपर से कि मेरे ऊपर उंगली करता है। भैया कहती है कि अच्छा लाला ठीक है, तू इतना सब जो तू इसे पकड़ रहा था ठीक है, अब एक बात बता तू ये तेरे हाथ में मक्खन कैसे आया। तो ठाकुर जी कहते हैं भैया चोरी ये कर रहा था ना, अब मैं इसके यहाँ से मक्खन ला करके रख रहा था, हमारा मक्खन कम ना पड़ जाए तो इसलिए मेरा हाथ में आ गया। ठीक है तेरा हाथ में तो आ गया पर लाला तेरी मुंह में कैसे मक्खन आया। अब कहते हैं भैया मैया जब इसके साथ में लड़ाई करके मक्खन छीन रहा था ना, इतने में मुंह पे मेरे होंठ के ऊपर एक चींटी चल रहा था, मैं चींटी को हटाते हटाते जो मक्खन था वो मक्खन का ढेला थोड़ा सा मेरे मुंह में लग गया। और मैया को तो बहुत ही खुशी हो रही है और ठाकुर जी को लेकर के मैया बहुत कौतुक रूप में डांटती है, बड़ा आया हरिश्चंद्र जो सत्यवादी मेरे घर में ही जन्म लिया। तो इस प्रकार की ठाकुर जी देखते हैं कि भैया ये तो मेरे घर में ही मैं खुद ही पकड़ा गया पर क्या करूं। फिर दूसरे दिन जब वो ठाकुर जी बाहर कहीं जाते हैं, एक समय जब ब्रज के सारे घरों घरों में ठाकुर जी लीला करने लगे मक्खन चोरी करने लगे, तब एक दिन सारे गोपियां जितने थे अभी सुन रहे थे ना कि जैसे घर घर में जाकर के किसी के बच्चे सोए हुए हैं तो उसको चोटी भर देते हैं और जब वो रोने लग जाते हैं तो ठाकुर जी पीछे के दरवाजे से मक्खन लेके भाग जा। और कभी कभार तो कभी ठाकुर जी बछड़े खोल देते हैं, द्रव्य लाभ है, द्रव्य की अभाव में जब देखते हैं कुछ नहीं है पहले तो गाली देते हैं, कभी किसी को पकड़ करके किसी की है इतने से छोटे उम्र की इतने जब चलना ही नहीं आता ढंग के तो वो जाकर के दूसरों को कहते हैं मेरे से बाहर चोको का, तो ऐसे ऐसे करके छेड़ते हैं लड़कियों को ब्रज के जो जो बड़े बड़े युवती हैं। अब इस प्रकार ठाकुर जी जब हर एक घर घर में जाकर के गोपियों के ब्रजवासियों के मनोरंजन कर रहे थे, एक समय एक जो गोपी थी उसने देखा कि देखो तुम जो कन्हैया है ना जानबूझ के कह रहे हैं अपने गोष्ठ के अंदर ये कन्हैया सबके घर में लगभग मक्खन चोरी कर लिया मेरे घर पे नहीं। तो एक दिन जो ठाकुर जी का जो आमना सामना किसके साथ हो गया ब्रज के ये गर्ग संहिता का प्रसंग है कि प्रभावती नामक एक गोपी से ठाकुर जी का क्या हो गया, ठाकुर जी ने प्रभावती ने उनको ललकार दिया, अच्छा चलो तो कल ही तुम्हारे घर पे चोरी होगा। तो इतना में ठाकुर जी क्या किया अगले दिन अपने सारे मंडलियों को लेकर के उसके घर पहुंच गए। अब वहां पे पहुंचे तो देखा जो गोपी है ना ठाकुर जी को पकड़ने के लिए क्या करी हुई है, बीच में खुले मैदान में जो अपना जो मटकियों को माल मटके को रख करके धर के किसी कोने में छुप करके देख रहे हैं कि इतने में मैं जाकर के कन्हैया को पकड़ लूंगा जब वो आएगा। तो ठाकुर जी बार बार के साथ आते और देखा कि कहीं कोई है नहीं। अब जैसे आकर के उन्होंने वहां पे पहुंचे तो पहले तो ठाकुर जी ने बोला कि चलो तुम लोग पहले जाकर के खा पी लो और इतने में बरादरी कर दो। तो जितने बार बार थे सब लोग जाकर के बड़े आराम से खाने लग गए और जब सबका पेट भर गया अब इतने में ठाकुर जी बोला भाई मेरे लिए भी छोड़ देना, तो हमारा तो खाना पीना हो गया। अब ठाकुर जी जैसे आए वो भी तो छुपे देख रही थी पकड़ना किसको है, ग्वाल को थोड़े ना पकड़ना है तो ठाकुर जी को पकड़ना था। जैसे ही ठाकुर जी आए इतने में छट आ करके ठाकुर जी का हाथ को पकड़ लिया। अब कहते अब कहाँ जाएगा बेटा, तो कहते पहले तो बहाना बना देते हैं, अच्छा मैं कहाँ आ गया, बोले अब तू बहुत कहा यशोदा माँ कहा करते है ना कि मेरे लाला की तो बहुत शिकायत करते हो तुम लोग, हाँ कहो दिन उसको रंगे हाथ पकड़ करके दिखा दो तब जा करके मैं मान लूंगी। अब ठाकुर प्रभावती को तो मौका मिल गया क्योंकि ठाकुर जी का रंगे हाथ पकड़ लिया। इतने में जब ठाकुर जी को देखते हैं ना ठाकुर जी कहते हैं अरे प्रभावती तुम कहाँ से मेरे घर पे आ गए, वो कहते तेरे घर, बोले मेरा नहीं बोलते तेरे है, बोले मेरा नाम तो तेरो है जरा देख ले, अरे मेरे साथ तो बड़ी बड़ी धोखे हो गए होंगे, जैसे मेरे घर को आंगन वैसे तेरे घर को आंगन, जैसे मेरे दरवाजे खिड़की वैसे तेरे घर को भी दरवाजे खिड़की हो, अच्छा चल ठीक है तू इस बात से चकमा खा गया तो तू ये मटकिया में हाथ का घुसाओ। तो कहते हैं ठाकुर जी अरे प्रभावती क्या कहूं मैं, ये मैया है ना मेरे को ये जो जो हाँ जो पद्मराग विभूषित जो ये खड़ू है ना इसको मेरे को पहना दिया और जैसे मैं बाहर निकलूं और धूप में मेरा जो खड़ू क्या खड़ा है ना वो गर्म हो गया था तो या के मारे मैं मटकिया के अंदर हाथ घुसो करके समझ रहा था नहीं ठंडा कर लो, तो इतने में तू तो मेरे को पकड़ लिया, बोले चाहे तू कुछ भी कह दे तेरे साथ मेरा कल मतलब तू मेरे को छेड़ा था आज मैं तेरे को पकड़ लिया अब तू मैया यशोदा के पास चल।
देख तू क्या रफा दफा कर ले, यहीं पे मिटमाट कर ले, मेरे को क्यों लेकर के जा। नहीं 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 आज तो तेरे को लेकर के ही मैं जाऊंगी। और प्रभावती लेकर के सीधा लेकर क्या उनके कार को बैठ दिया। चल एक काम करते हैं, ना तेरा ना मेरा, आज के दिन तो छोड़ दे मेरे को। अब इतने में क्या होता है कि प्रभावती कहते हैं जो मैं कहूँ तू वह करने के लिए तैयार है। बोले हाँ बोल क्या चाहिए तेरे को। बोले प्रभावती कहती है कि कन्हैया देख मैं सारे दरवाजा बंद कर देता हूँ, तू मेरे को नाच के दिखा दे। अब ठाकुर जी चोरी के आए हैं, चोरी का दंडा भी उनको क्या करना पड़ेगा, इन गोपियों के सामने नाचना पड़ेगा। वो गए थे ना ताही आयरी की छोरियां छछिया पर छाछ में नाचना चाहे नाचते गए, फिर भी प्रभावती ना छोड़े। फिर प्रभावती लेकर के सीधा उनको लेकर के जैसे मैया यशोदा के पास आए, तो इतने में क्या हुआ, सामने से जब उन्होंने देखा ना कि बड़े भारी गोप जेठ बुजुर्ग वगैरह आ रहे, तो इतने में ठाकुर जी बोले अरे प्रभावती है देख तू तेरे को थोड़ी सी भी शर्म ना है, है जेठ बड़े बुजुर्ग घूम रहे हैं और तू ऐसे मुंह को चपुर खोल रखो है, तो थोड़े से देख दुपट्टा तो कर ले। उस समय की दुपट्टा की बात है तो इतना इतना बड़े बड़े दुपट्टा। इतने में ठाकुर जी प्रभावती क्या करती है, बहुत बड़ी सी दुपट्टा कर देते हैं, इतने घूंघट कर देती है। अब इतने में ठाकुर जी क्या करते हैं, देखते हैं कि उसका बेटा सामने से आ रहा है। ठाकुर जी क्या करते हैं उसको इशारा इशारा, क्योंकि ये वही चोर मंडली का सदस्य है, चोर की भाषा चोर समझे, तो इतने में कहते हैं कि बेटा खाने के लिए। हाँ मैं तो खाने के लिए जा रहा हूँ। अच्छा तो क्या मिलेगा, वहां मक्खन मिश्री मिलेगा, तू जाना है। बोला हाँ लग जा लाइन पे, तो वो पीछे आकर के लग जाता है उसका जो बेटा। अब इतने में क्या करते हैं कि अरे प्रभावती मेरा हाथ में बड़ा दर्द हो रहा है, ला मैं तेरे को दूसरा हाथ दे दूं, तो इतने में मेरा दूसरा हाथ पकड़ ले। तो प्रभावती को जैसे उन्होंने दूसरा हाथ पकड़ने के लिए गया, पीछे कौन था उसका बेटा, बेटा के हाथ पकड़वा दिए ठाकुर जी, और तुरंत दूसरे गली में जा करके अरे मैया मैया मेरे को बहुत जोर की भूख लगी है। मैया बोले आज बड़े दिन बाद दो दिन खावे पीवे की तो बात ही ना मेरे आज किया है, आ बेटा आ मेरे छोरा, तो गोद में भर करके मैया उसको मक्खन मिश्री खिलाने लग गई। इतने में प्रभावती अरे ओ यशोदा मैया तू बड़े दिन कहा करती थी कि काव दिन मेरे लाला बना के हाथ पकड़ के दिखाई दे, आज लेकर आई हूं मैं तेरे पास। तो मैया सोचती है ये प्रभावती ज्यादा भांग भांग तो खा नहीं थी, तो इतने में आकर के देखते हैं मेरे बेटा तो मेरे गोद में है, ये पता नहीं किसको पकड़ के जाऊं देखूं। तो अब जैसे देखा देख ये तेरे छोरा को मैं लेकर गया, तू पागल तो नहीं। अरे मैं पागल ना, तू पागल हो गए, देख तेरे को ना पुत्र मुंह में कुछ नहीं दिखता। बोले देख तू किसको पकड़ गए। तो जैसे उन्होंने देखा अरे मेरे पीछे मेरा बेटा कैसे, अरे दारी के तू बीत में थे कहां से आटे को, चल जा भाग जा यहां से। वो तो सोचा था कि मेरे को रसगुल्ला मक्खन मिश्री खाने के लिए मिलेगा, अब उसको क्या पता यहाँ पे तो लाल गुस्सा मिल रहा, वो तो भाग गए। इतने में मैं ठाकुर जी जैसे कुछ भी नहीं जानते, ओ आंखों को मल मल के मैया क्या भयो है। अब जैसे आके पहुंचे देख लाला तेरे नाम की शिकायत लेकर गए, तू कभी उसके घर में जाकर के चोरी किया, देख लिया ना मैया तू हर समय कहा करती थी ना कि मैं चोरी करता हूँ, ये सब मेरे नाम पे ऐसे ऐसे कहते हैं। मैया तो जो डांट लगाई वो तो बड़े शर्मिंदा होकर के चली गई। इतने पीछे से ठाकुर जी दूसरे रास्ते में जाकर के कह रहे हैं कहा प्रभावती कहा भयो, हाँ तू मेरे को पकड़ने के लिए आई थी ना, आप देख अगर अगली बार तू मेरे को पकड़ने की कोशिश करी ना तो तेरे बेटे की जरा जगह तेरे जो पति के खसम की हाथ पकड़वा दूंगी। बोल बोले मैं कन्हैया तेरे सामने मैं हारी और तू जीता। तो इस प्रकार की गर्ग संहिता का प्रसंग है। कभी ठाकुर जी किसी गोपी के घर में जाते हैं तो गोपियां आप तो देखते हैं कि ठाकुर जी जरूर आएंगे, इसलिए वो क्या करते हैं ठाकुर जी के मनमोहन स्वरूप देखने के लिए, उनको जैसे बांधने के लिए वो बहुत जाल रचाते हैं। एक समय ठाकुर जी को जैसे ऐसा कुछ मतलब अभी जैसे सेंसर वगैरह होता है ना गाड़ी चोरी करने के लिए, जब चाबी वाबी उसमें लगा मतलब कोई चोर अगर जाता है ना उसे पता चल जाता है, कोई साइरन वगैरह हो जाता है तो पता चल जाता है। तो गोपियों ने देखा कि जैसे कन्हैया अंदर जाएगा तो ये घंटी जैसे बजे, इस प्रकार का इंतजाम कर दिया। तो जैसे कन्हैया आए अंदर और जैसे खाने के लिए लगे, इतने में देखा कि ऊपर घंटी, ये घंटी क्यों आज, रोज तो नहीं होता था, आज घंटी मतलब लटक रहा है, मतलब कुछ ना कुछ दाल मखन में डाला है। अब इतने में सोचा घंटी को पूछा क्यों रे बेटा तू तो रोज कभी नहीं लगता था आज क्यों है। बोले प्रभु आप मेरे को ना ये ब्रजवासी आपको पकड़ने के लिए मेरे को ये इंतजाम किया। बोले ठीक है
अब मैं कौन हूँ? बोले आप मेरे प्रभु। बोले तुम कौन हो? बोले मैं आपका सेवक हूँ। बोले सेवक का धर्म क्या है? प्रभु की सेवा करना, आज्ञा पालन करना। अब मैं तेरे को बोल रहा हूँ कि तू जब तक मैं खाना खाऊ मतलब मक्खन खाऊंगा तो बजना नहीं। अब बजेगा नहीं तो मैं आराम से खा करके चल चलूंगा। इतने में घंटी तो चुपचाप था ही, पर जैसे ही ठाकुर जी खाने लग गए अब घंटी जो है जोर जोर के टन 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 करके आवाज होकर बजने लग गया। अब ठाकुर जी कह रहे हाय राम, इतना मेरे साथ धोखा, फिर क्यों बज गया तू? तो इतने में घंटी कहता प्रभु देखो आपका आज्ञा पालन तो करता हूँ मैं, पर एक बात तो बताओ जब सब लोग आप लोग भोग लगाते तो घंटी के बगैर आप तो खाते ही नहीं हो, तो मैं तो इसीलिए बज रहा था क्योंकि आपको भोग लग रहा है इसलिए बज गया। तो भगवान वहां पे जल्दी जल्दी खा करके वो भग गए। तो इस प्रकार की जब सारी शिकायत तो मैया के पास आता है तो मैया कहती है कि लाला तू तो चोर हो गया भाई, ऐसा अगर होता रहेगा तो आगे चल के छोरी कौन देगा तेरे को, ब्याह कैसे होगा तेरा? तो ठाकुर जी कहते हैं मैया देख तू मेरे को ना जो जगत पूरे दुनिया कहती है कहता है तू भी ऐसे ही कहती है मैं चोर हूँ। लगता मैया किसी ने जन्म देकर के मेरे को कचरे की कूड़ेदान में डाल के चला गया था और तू वहां से उठा करके मेरे को ला करके भरण पोषण कर रहा, तेरा बुढ़ी उम्र तक बच्चा नहीं हुआ था ना, लगता है तू ऐसे ही किया मेरे साथ। तो एक बात बता मैया, मैं अगर मक्खन खाता तू मेरे को बता, सुबह होते ही तुमने मेरे को गैया ग्वाल वाल देकर के गैया देकर के बछड़ा देकर के तो मेरे को भेज देता है मधुगढ़, वहां पे मैं जाता हूँ गैया चरा करके शाम को भराता हूँ, बता शाम को भराने के बाद तेरे गोद में सोया मैंने पूरी रात, फिर सुबह होते ही मैं चला गया। और मैया कहती है जो सारे ग्वाल वाल तेरे लिए बात करते बोलते ये जो बात करते हैं ये बात कब देखना जरा, ये तो इतना मेरे से चिढ़ते हैं, ये जबरदस्ती क्या करते, खाते पीते तो खुद है और ये जबरदस्ती आकर के मेरे बराबर से मुंह लपटाए हो, मेरे मुंह में लगा देते और मैं फंस जाता हूँ। बता मैया मैं तो बालक छोटा सा इतने ऊपर छिके के ऊपर रखा हुआ मक्खन को मैं कैसे खा सकता हूँ? जब मैया सुनते हैं मैया को बहुत ही आनंद होता है और फिर वो कहते हैं कि मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाए हो। और फिर जब मैया उसको दुख से गले लगा देती है फिर ठाकुर जी कहते हैं उल्टा अंगूठा दिखा के मैया मोरी मैंने ही मक्खन खाए हो। तो इस प्रकार के माधव ने मक्खन चोरी लीला करते हैं। मक्खन चोरी लीला की तात्पर्य वो है कि जो मक्खन मक्खन चोरी हरे कृष्णा। तो अभी हम श्रवण कर रहे थे किस प्रकार ब्रज गोपियां यशोदा माँ के घर में जाके नंद भवन में जाके और एक एक लीला यशोदा माँ को सुनाती है। यद्यपि उनका उद्देश्य वहां पर जाकर शिकायत करना नहीं है, उनका क्या उद्देश्य था, वो जाकर जब कृष्ण के दर्शन नहीं होते तो कृष्ण के दर्शन करने के उद्देश्य से ही वह नंद भवन में जाके और मैया यशोदा को शिकायत करती थी। एक दिन किसी ब्रज गोपी के मन में इच्छा हुई कि कृष्ण माखन चोरी करने तो आते हैं जल्दी जल्दी खाते हैं और भाग जाते हैं और मैं ठीक से कृष्ण का दर्शन भी नहीं कर पाती, इसी वजह से क्या करूंगी, आज जब कृष्ण आएंगे तो उनको मैं बांध लूंगी। तो वह एक कोने में छिप कर बैठ गई। अभी कृष्ण चोरी करने के लिए आए, कृष्ण जब चोरी करने के लिए आए चोरी करके और माखन खा रहे हैं, माखन खाने दिया उनको क्योंकि गोपियां माखन बनाती किस लिए है, एकमात्र कृष्ण के लिए ही बनाती है। तो कृष्ण ने जब पूरा माखन खा लिया और अभी भागने वाले हैं तब जाकर गोपी ने पीछे से आके और पकड़ लिया और बोले कान्हा आज तुझे मैं बांध दूंगी, आज तुझे मैं जाने नहीं दूंगी। बोले गोपी आज माफ कर दे, मैं तो सोच रहा था मेरा खुद का घर है। बोले हाँ अभी तुझे मजा चखाती हूँ। क्या किया, अपनी चोटी से एक रिबन निकाल के और कृष्ण को बांधने की कोशिश करी। बोले रख इस मणि स्तंभ पर अपना हाथ रख। कृष्ण ने जैसे हाथ रखा और गोपी बांधने लगी। अभी कृष्ण कौन है, कृष्ण का श्रीअंग कितना सुकोमल है, तो जैसे वो बांधने की चेष्टा कर रही थी गोपी कृष्ण का हाथ बंधे ही नहीं। कृष्ण अब यहाँ पे बोलने लगे, बोले गोपी तुम कभी बंधी गई हो? बोले नहीं लाला। बोले तुझे बांधना आता है? बोले हाँ बिल्कुल, रख हाथ। गोपी ने वहां हाथ रखा, कृष्ण ने लगाई एक गांठ दो गांठ फिर गुड़ गांठ और उसके बाद ने अच्छे से बांध दिया। गोपी बोलती बोले लाला तुझे तो बड़े अच्छे से बांधना आता है। बोले हाँ तेरी बात क्या, मैंने तो अच्छे अच्छे ब्रह्म ज्ञानियों को योगियों को अपने प्रेम के रज्जु से बांध के रख रखा है।
ऐसा सुन के, और फिर गोपी बोलती है अच्छा लाल आप खोल दे। बोले गोपी अब तक तो मैंने सिर्फ बांधना सीखा है, किसी को मैंने खोलना तो सीखा ही नहीं, जो एक बार मेरे प्रेमी बन जाए वो कभी छूटता नहीं मेरे से, ऐसा कह के और कृष्ण वहां से चुटकी बजा के और भाग जाते हैं। ऐसे ही एक और लीला गुरुदेव उनको श्रवण करवा रहे थे, जैसे गोपी, एक गोपी के मन में इच्छा हुई कि अभी सुन रहे थे ना कि जाकर बच्चे का वहां पे अपने बच्चे को ही चोर बना दिया, तो एक गोपी के मन में इच्छा हुई पता नहीं कैसे ये ऐसा चमत्कार कर देता है, जहां भी जाती हूँ एक दिन कृष्ण को क्या करूंगी, घर में ताला लगा के बंद करके रख दूंगी। अभी कृष्ण उस घर में चोरी करने के उद्देश्य से आए, वह गोपी गई थी पानी भरने, जैसे पीछे से आकर देखा कृष्ण माखन खा रहे हैं, उस गोपी ने क्या किया बाहर से दरवाजा बंद करके ताला लगा के और मैया यशोदा के पास चली गई। जैसे ही नंद भवन में घुसकर देखती है तो देखा वहां पर मैया यशोदा कृष्ण को तपती लाकर सुला रही है। ये देखकर तो गोपी बड़ी आश्चर्यचकित हो गई, बोले ऐसा ना कि कृष्ण क्या दो हो गए ना क्या, मैंने अभी जाकर देखा हमारे घर में माखन खा रहा था, अभी यहाँ आकर देखा तो मैया उसको सुला रही है। ये आश्चर्य कथा बोलने के लिए अभी किसी और गोपी घर में गई, वहां जाकर देखा तो कृष्ण उसके बच्चे के साथ में खेल रहे हैं, तीसरे घर में जाकर देखा तो कृष्ण और उसके बालक के साथ में कुछ और लीला कर रहे हैं। ऐसे कृष्ण ने अनेक अनेक रूप धारण करके और अनेक अनेक सब गोपियों के घर में कृष्ण एक एक लीला कर रहे हैं। कृष्ण यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं, कृष्ण मान लो उस गोपी से बता रहे हैं कि गोपियों तुम जो ये माखन तैयार करती हो ये एकमात्र मेरे लिए, तुम्हारा प्रेम जो है, तुम चाहती हो मुझे अपने पुत्र रूप में वात्सल्य प्रेम करना, तो उसी को पूर्ण, तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करने के लिए मैं ये अनेक अनेक रूप धारण कर रहा हूँ। इस प्रकार भगवान ने कई माखन चोरी की लीला करी। बोल माखन चोर भगवान माखन माखना आज सबका नंबर लग गया। तुम बोल सकते हो ए बड़ा पंडित जी मक्खन का मतलब क्या है, मक्खन क्यों चोरी करते थे, कैसे मक्खन बनता है, क्यों ये करते हैं, बोलो हाँ कल थान होते हैं पहले, तो तुम बोल दो हरे कृष्णा। यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर लीलाएं कृष्ण की हम सब ने श्रवण करी। यहाँ पर जैसे सबसे पहले जो हमने लीला श्रवण करी थी उसमें बताया कि यशोदा मैया बोलती है गोपियों को, बताती है कि कैसे तुम बच लो इससे कन्हैया से, क्या करो अगर ये तुम्हारा मटकी चुरा लेता है तो अंधकार में रख दो ना मटकी को, दिखेगा ही नहीं, ये तो अंधेरे से बहुत डरता है, मैं इसको बोलती हूँ काना आते को अंधकार तक काल कोठरी में बंद कर दूंगी, डर के मारे कांपने लग जाता हवा आ जाए, हाँ तो हाउ बिलो, हाँ हाउ बिलो, एक स्थान भी है ब्रज में हाउ बिलो, वहां पे बड़े भयानक भयानक मूर्ति रखी हुई है, उसको देखा करके मां डरा देती है, तो बोला अंधकार में रख दो ये बहुत डरता है, तो बोलती है बोला मैया अंधकार में तो रखने की हम कोशिश करते हैं लेकिन जो तुमने इसके हाथ में कड़े पहनाए है ना उसका ऐसा प्रकाश आता है कि जैसे ही उधर प्रवेश करता सारा उजाला उजाला हो जाता है और ये सब कुछ चुरा लेता है, और इसके कड़े तो छोड़ो इसके शरीर से जो अंध कांति निकलती है अंधकांति इसके शरीर से छोड़ो, इसके जो एक चरण के जो नख से ऐसे प्रकाश निकलता है सारा जगत जैसे प्रकाशित हो जाता है, जिसको ब्रह्मा जी कहते हैं जगत यस्य प्रभा प्रभुवतो जगदंड कोटि कोटिश्व शेष वसुधाति विभूति भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंतम शेष भूतम गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। जो कृष्ण के नख की जो छटा है उसी को ही ज्ञानी लोग क्या कहते हैं ब्रह्म, ब्रह्म में ध्यान लगाते ना प्रकाश, वो कृष्ण के नख की छटा है। अब प्रश्न ये उठता है कि कृष्ण ये जो घर घर जाकर के मक्खन को चुरा रहे हैं, भगवान तो पूर्ण है आत्मा राम पूर्ण काम, फिर भी ये भगवान ये गोपियों के घर घर जाकर मक्खन क्यों चुराते, क्या कारण है, तो कारण बताया कि भगवान कृष्ण को किसी भी चीज की आवश्यकता किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो एक वस्तु जो भगवान कृष्ण जिसके लिए हमेशा ललायित रहते हैं वो है प्रेम, और ये जो सारी की सारी गोपियां हैं कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी क्रिया करती हैं किसके लिए करती हैं, केवल और केवल कृष्ण के लिए, केवल और केवल कृष्ण के लिए ही वो सारा काम करते हैं। सुबह उठी, उठते के साथ में सबसे पहले दही बिलोया मक्खन बिलोया, सारी रात सोती नहीं है, सारी रात ना सो करके ये सोचती है कि कल सबसे अच्छा दही मैं जमाऊंगी, कल सबसे अच्छा मक्खन मैं बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि अच्छा मक्खन बनाऊंगी तो सिर्फ खुशबू से मेरे घर में कौन आएंगे, कृष्ण आएंगे। रैन नहीं सोए भोरे उठे ही बिलोवे दही।
रही गावे और ध्यावे तो है ही नंदलाल। ओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। इस कीर्तन में बताया ना गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, गोरी गोरी मटकिन में गोरी गोरी गैयन को, न्यारो दही जमाए राख्यो नंदलाल। ओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। और ये जो सारी गोपियां आकर के माँ यशोदा से जो शिकायत लगाती है ना, वो शिकायत नहीं लगाती, वो तो माँ यशोदा से बोलती, बोला मैया आप तो रोज रोज कृष्ण को खिलाते हो, हमें कभी अवसर नहीं मिलता, इसलिए जो कृष्ण चोरी करने आते हैं ना, इसी बहाने हमें भी कृष्ण की सेवा का अवसर बन जाता है। गोपियां क्या कहती है, ब्रज रानी को माखन बहुत ही खायो, कान्हा को कह रही ब्रज रानी को माखन बहुत ही खायो, अब मो गरीबन को करो तो निहाल। ओ गोपाल दर्शन की प्यासी गुजरी आशा। इस प्रकार क्योंकि गोपियां जब मक्खन निकालती हैं केवल और केवल कृष्ण को ही याद रखती है और किसी को याद नहीं रखती है। गाय जो दूध देती है केवल कृष्ण को देख करके ब्रज में दूध देती है, कृष्णमय सारा वातावरण है इसलिए कृष्ण आए बिना नहीं रहते। इसलिए बताया ये मक्खन नहीं है, ये गोपियों का हृदय है जिसको कृष्ण चुरा रहे हैं। अनुग्रहाय भक्तानां करोमि विविध क्रिया, अपने भक्तों को आनंद देने के लिए कृष्ण ये भांति भांति की लीला करते हैं। मक्खन, ये जो मक माने क्रोध माने काम माने जिसके अंदर इस प्रकार के कोई दोष नहीं, उसको कृष्ण, ऐसा व्यक्ति जिसके अंदर ये सब नहीं है उसके हृदय को कौन करते हैं, कृष्ण चुरा लेते हैं। और ये मक्खन गोपियों का हृदय है और संतों का, ये जो गोपियां हैं सब बड़े बड़े संत ऋषि मुनि सब ब्रज में आकर के गोपियां बनकर के रह रहे हैं। तो ये संतों का हृदय कैसा होता है, संत हृदय नवनीत समाना, कहीं कबड़िन पर कहीं न जाना। और बहुत कभी कोशिश करते हैं लेकिन संतों का हृदय इतना कोमल होता है कि वो भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते। और यहां तक कि बताया कि जो मक्खन तो है वो तो आग से पिघलता है, जब मक्खन के पास में आग रखते तब पिघलता है ना, लेकिन संतों का हृदय क्या होता है, पर दुख है, दूसरों के जो जीव है उनके हृदय को, उनके दुख को देख करके उनका हृदय पिघल जाता है, उनके ऊपर वो कृपा कर देते हैं। तो जिनका हृदय इतना कोमल है, जिनका निरंतर कृष्ण के प्रति प्रेम है भाव है, कृष्ण उनके घर घर जाकर के ये मक्खन चोरी की लीला करते हैं, उनको आनंद प्रदान करते हैं। ये मक्खन चोरी लीला का तात्पर्य है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण टाइम हो गया ना, 5 मिनट चल गया। ओम ज्ञानचंद्र राम दस ज्ञानांजन कलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 बोल हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरणों कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ण विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त भक्तों के चरणों में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान का जो माधुर्य लीला है, अभी ठाकुर जी के माधुर्य लीला को वर्णना करते हुए अभी कुछ लीला वर्णना कर रहे हैं जिसको देख करके माँ यशोदा आश्चर्य विस्मय हो जाती है,
आश्चर्य हो जाती है, हैं? अभी ये लीला को वर्णना कर रहे हैं, कहते हो कौन सा लीला, बोले मृदा भक्षण, ठाकुर ने मिट्टी खाई, मिट्टी खाने का लीला वर्णना कर रहे हैं। अभी प्रश्न है कृष्ण यहाँ मिट्टी क्यों खाए, कारण क्या है, बोले कारण ये, कहते कृष्ण सोच रहे हैं ब्रज में जो कोई आते है ना वो एक चीज की प्रार्थना करते हैं, राधे तेरी चरणों की ब्रज धूल जो मिली जाए, श्यामा तेरी चरणों की, इसलिए सबके सब ब्रज धूल के लिए प्रार्थना करते हैं। उद्धव भी यही प्रार्थना किया, बोले क्या, उद्धव बोलते हैं जब ब्रज में आए ब्रजवासियों को प्रेम को देखा, तद भूरी भाग्यम यह जन्मम किम अटव्यम जद गोकुल कथमांधी रजोभिषेकम, ये ब्रज में त्रिणा गुल्म लता होकर के जन्म लेना चाहते, बोले क्यों, बोले गोपियां जब कृष्ण के साथ में मिलने जाएगी वो श्रृंगार करते हुए जाएगी, चल करते जाना पड़ेगा, अगर हम घास बन कर रहेंगे तो उनकी चरण धूलि हम मिल जाएगी। ब्रह्मा भी कहते तद भूरी भाग्यम यह जन्म किम अटव्याम जत गोकुल कथमांग्री रजोभिषेकम, कहते ब्रजवासी नहीं ब्रज का बाहर जो छोटे जाति के लोग रहते हैं उनके चरण की धूल बनना चाहते हैं, कहते उनको घर को सामने अगर पत्थर बन करके रहेंगे हैं कम से कम मेरे ऊपर अपना चरण रगड़ेंगे तो उनका चरण का धूल हम मिल जाएगा हैं, इसलिए सारे देवा देवी ब्रज के धूल को प्रार्थना करते हैं। इसलिए बंगला में कहते धूला नहे धूली नहे गोपी पद रेणु जे रेणु मेखे चुलन नंद बेटार कान, ब्रज में धूला धूली नहीं ये ब्रजवासियों की राधा रानी के चरण की ये धूल है। इसलिए आज कृष्ण के ब्रज रज की महिमा को कृष्ण बताना चाहते हैं, इसलिए आज कृष्ण ने क्या किया ये ब्रज रज को उन्होंने पान करके देखा, इसलिए रसखान का एक पद है कहते कहते रमण रेती लेट नहीं कियो ना जमुना पान, रे मन तो क्या समझो ब्रज के तत्वमान, कहते ब्रज में आकर दो काम करने चाहिए, पहला काम किया बोले रमण रेती में, रमण रेती माने जहां पर जिस रेतियों में कृष्ण रमण किया विहार किया वहां पर जाकर लौट पोट खाने चाहिए, दूसरा काम क्या करनी चाहिए जमुना पानी को आचमन करनी चाहिए, कर जब तक ये दो चीज को कोई नहीं करते ना तब तक ही ब्रज की महिमा को कोई नहीं समझ सकते, इसलिए आज कृष्ण उन्होंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाए के इतने में सखाओं ने जाकर के मैया से शिकायत की है, यहाँ कहते बोले एकदा क्रीड़मा नास्ते रामद्या गोपदारका कृष्णा मृदम भक्षितवानेति मात्रा निवेदयत, बोले एकदा क्रीड़मानास्ते रामद्या गोपवाग गोपदारका, बोले कृष्ण जब सखाओं के साथ में खेल रहे थे खेलते खेलते कृष्ण ने देखा ये ब्रज रज में है क्या चीज, सारा दुनिया ये ब्रज रज क्यों चाहते हैं, और भागवत में बताए अनुब्रजामि अहम नित्यं पुये एत अंधिरेण, कृष्ण स्वयं कहते मैं भक्तों को पीछे 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 चलता, बोले क्यों, बोले भक्तों का चरण धूलि जब वो चलते चलते जाएंगे धूल तो उड़ेगा, उड़ेगा तो मेरे सर के ऊपर पड़ेगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा मैं पवित्र बन जाऊंगा, इसलिए कृष्ण भी स्वयं पवित्र बनने के लिए भी कृष्ण स्वयं क्या करते हैं भक्तों का पीछे 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 भक्तों का पीछे पीछे चलते हैं। इसलिए एक समय सखाओं ने आकर के मैया जैसा जसदा थे शिकायत की, बोले मैया मैया जानते हो आज कहा भय, बोले कहा भय, बोला लाला ने आज मिट्टी खा रहा है, हमने बहुत मना की और मान नहीं रहे थे और मिट्टी को फिर खाते जाते रहे, मिट्टी खाते खाते जा रहे मिट्टी बात नहीं मान रहे हैं, मैया को बड़ा क्रोध आ गया। इतने में मैया ने हाथ में छड़ी लेकर के आए, कहीं पर कहते कृष्ण का कान को पकड़े, कहीं कहते कृष्ण का हाथ पकड़े, हैं कृष्ण को हाथ को पकड़ करके मैया कहती है क्या मेरे घर में हैं, मेरे घर में क्या मिश्री मखन का कमी है, तू जाकर छुप छुप करके मिट्टी खाते हो, हैं तुम छुप छुप करके मिट्टी खाए, जब हाथ को क्यों पकड़े, इसलिए हाथ को पकड़ रखे कृष्ण भाग नहीं जाए, क्यों एक हाथ में तो छड़ी है, हैं इसलिए
इसलिए उनका हाथ को पकड़ करके रखे। जब ये बात को उन्होंने बोले, इतने में यहाँ पर कृष्णा एकदम सफेद झूठ बोल देते हैं। क्या कहते हैं? बोले नाहम भक्षितवानम हो सर्वे मिथ्याभिसंसिनम यदि सत्य गिरमस्तहि सम्यकम पश्य विमुखम। इतने में कृष्ण ने कहा, भैया अगर हमने मिट्टी खाई तो मुंह से तो मिट्टी खाई। बोले हाँ मुंह से खाई। बोले तो मुंह देख ले, तेरा अगर विश्वास नहीं होता है मुंह देख ले। इतने में कृष्ण ये सोच रहे थे, अगर मैं ये बात बता दूं मैया कर मैं मुंह देख ले, हो सकता है मैया छोड़ देगी। नहीं, लाला जब खुद कहता है तो मेरे मुंह ही देख ले, लाला सही कह रहा है, ये झूठ नहीं कह रहा है। लेकिन हर माताओं का बच्चा करतूत, हर माताओं को पता मेरे बेटा कैसे हैं, हैं मेरे बेटा कैसे हैं। इतने में उसका आगे कह रहे हैं, जब मैया ने बोले मैंने तुमने मिट्टी खाई, कृष्ण क्या बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई, है मिट्टी नहीं खाई कृष्ण, सीधा सीधा कृष्ण बोल दिए। इतने में कृष्ण कहते मैया आज कहा मैं तेरे को पता है। बोले कहा क्या भाई? कहते यहाँ पर दो बात आती है। कहते जब सूरदास जी कहते हैं आज हम सारे सखाओं के साथ में कुश्ती लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते ना मैया मैंने सबको परास्त कर दिया, कोई मेरे सामने टीक नहीं पाए। जब टीक नहीं पाए सखाओं ने सोचा आज तो कन्या सबको परास्त कर दिया, इसको हम सब मिल करके मार खिलाएंगे। इसलिए इन लोगों ने क्या किया, मेरे को मार खिलाने के लिए जो हार गए और तेरे पास में जाकर शिकायत कर दी, और तू तो मेरी बात मानते नहीं की बात में जल्दी से क्या जाती है, इसलिए मेरे को मार खिलाना चाहती है इसलिए तुम मुझे आकर बोल दिए। कहते दूसरी बार बात आती है, बोले भैया तेरे को कहा भयो, तेरे को पता? बोले कहा भयो, ये सखा लोग अपना घर से लड्डू कचौड़ी मालपुआ मिठाई सब चोरी चोरी करके लाते हैं, हैं इसलिए। और मेरे को बोले खा, ये तो खाए मैं खाया नहीं, इनको पता चला कृष्ण खाए नहीं मतलब कुछ गड़बड़ी, ये जाकर के हमारे नाम पर चुगली कर देगा, तो खुद खाया नहीं ना, हम लोगों तो खाए नहीं, इसलिए चुगली कर देगा। और मैं चुगली करने से पहले ही जाकर के चुगली कर दी, और तुम इनको बात में तुम जल्दी आ जाती है, मेरी बात तो सुनती नहीं है, छोड़ती नहीं। इतने में मैया को तो पता मेरे लाला कितना चंचल कितना दुष्ट है। इतने में जब कृष्ण बोले मुंह खोल, खोल कर देख ले मैया, धमक दिखाई, बोले मुंह खोल मैं देखना चाहता हूँ। जब मैया ने एक धमकी लगाई, एक धमकी में तो कृष्ण का मुंह पट खोल गया। जब पट खोल गया डर के मारे, अभी कृष्ण क्या सोच रहे हैं, एक हाथ में डंडा और एक हाथ में कान पकड़ी, अगर मुंह में तो मिट्टी है, मिट्टी तो खाया, मिट्टी में कुछ लगा है हुआ है, अगर देख लेगा ना डंडा ऊपर सब कुछ हाथ में पकड़ रखी हुई, पीठ के ऊपर डंडा पड़ेगा। इसलिए कृष्ण क्या सोच रही है, मैया मेरे को मारे नहीं। जब मारे नहीं मैया सोच रही है, कृष्ण का जो ऐश्वर्य शक्ति, उनको जो लीला शक्ति ऐश्वर्य शक्ति, ये जोग माया कहते ना लीला वैसे प्रभु नाही देहानुसंधान, इच्छा जानी लीला शक्ति कर समाधान है। कहते प्रभु तो अपना प्रेम में डूबे रहते हैं, उनका शरीर का अनुभूति नहीं रहता, लेकिन कृष्ण की इच्छा जान कर उनका जो लीला शक्ति झट उनको क्रिया रूप में उनको समाधान कर देती है। कृष्ण की क्या इच्छा, मैया मेरे को मारे नहीं। इसलिए कृष्ण की इच्छा मैया मारे नहीं, मुंह में मिट्टी लगा हुआ। इतने में उन इच्छा शक्ति जो मैया ने किया कि प्रभु की इच्छा जान कर ना, छोटी सी तो मुंह है, छोटी सी मुंह में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड को दिखा दिया, सारे ग्रह नक्षत्र ब्रह्मा शंकर नदी नाग, फिर क्या देख रहे हैं मैया, खुद को खुद अंदर में देख रहे। मैया बोली ये क्या, हाँ ये क्या मैं देख रहे हैं, क्या मेरे लाला को बोल गई अलाय बलाय तो भूत तो नहीं आ गया, मेरे लाला तो मेरे लाला है उसके अंदर में कोई भूत तो नहीं आ गया। इसलिए मैया तो डर गई, इस विश्व ब्रह्मांड किसको मुंह में, भगवान का मुंह में होता है। अभी मैया को अंदर में ये भावना आने लग गई, हो ना हो मेरे लाला तो भगवान नहीं है। जब इसी भावना आने लग गया, कृष्ण देखा मैंने कहा मार से बचने के लिए मैया को विराट रूप दिखाया, लेकिन मेरे ऊपर विपत्ति आ गई। बोले क्या विपत्ति आ गई, मैया कृष्ण सोच रहे हैं अगर मैया को पता चलेगा मैं भगवान हूँ फिर मैया क्या करे। घर में जैसे नारायण के लिए छोटी सी मंदिर बनाई है, कभी दूध नहीं तो थोड़ा माता से भोग लगा देती है, और घंटी हिला करके तुमैव माता च पिता तुमैव तुमैव बंधु सखा तुमैव
त्वमेवं विद्यां द्रविणा त्वमेव त्वमेवं सर्वं मम देवदे। क्या करते, भोग लगा के दरवाजे को बंद कर देते। फिर मैया मेरे ताही एक छोटी सी मंदिर बनाएगी और मंदिर में मेरे को बंद कर देगी, लड्डू नहीं थोड़ी सी बाधा से भोग लगाकर बंद कर देगी। अभी मैं जो सखाओं के साथ में इतनी प्यारी प्यारी इतने मीठी मीठी लीला करता हूँ, सारी लीला खत्म बंद हो जाएगा। अभी कृष्ण तो डर गए, अभी कृष्ण की इच्छा शक्ति, कृष्ण क्या सोच रहे हैं मैया मेरे को ऐसे नहीं करते। फिर कृष्ण की इच्छा शक्ति ने देखा मैं तो बड़ी गड़बड़ी होगी, मैं तो विराट रूप दिखा दिया प्रभु को बचाने के लिए, प्रभु तो डर रहे हैं मेरे को घर में बंद नहीं करते। इसलिए उनको जो इच्छा को जान करके फिर जो मैया क्या करी, सारी शक्तियों को वहां सारी लीला को अंतर ध्यान कर दी। देखा वही छोटा सा मुंह और वही छोटा सा और वहां कुछ है नहीं है, और वहां पर कुछ है नहीं। तब यहाँ पर हमारे टीकाकार लोग कह रहे हैं फिर कृष्ण तो भगवान है, भगवान को क्या कहते हैं, सत्यम व्रतम सत्यम परम ते सत्य। भगवान हर समय सत्य है, सत्यम परम धीमहि, भगवान परम सत्य है। तो भगवान जो परम सत्य, भगवान तो मिट्टी खाए कि खाए कि नहीं खाए, मिट्टी तो खाए। फिर यहाँ पर झूठ गई से बोले मैंने मिट्टी नहीं खाई है, मैं कैसे झूठ गई से ठाकुर जी बोल दिए। तब श्री वल्लभाचार्य कहते नहीं, ठाकुर कभी झूठ बोल नहीं सकते हैं। लेकिन यहाँ जो ठाकुर झूठ बोले इसका दो तीन कारण बताते हैं। पहला कारण बताते हैं यहाँ पर तो कृष्ण मार से बचने के लिए झूठ, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, अगर मैया कभी अगर बच्चा कोई चोरी किया मैया को पता चले गया, मैया अगर डांटे, अगर बच्चा क्या देखता है अगर मैं बोल दू ना फिर तो मैया मारेगी मेरे, मैया मेरे को मारेगी। इसलिए देखना कभी कभी बच्चे झूठ बोल देती माँ, बोले मैया मैंने नहीं की, मैया मैंने नहीं की, क्यों मार की भय से। इसलिए माना कृष्ण अभी बात्सल्य रस है, आप बोलोगे नहीं भगवान अगर झूठ गए, बोले झूठ नहीं भगवान की माधुर्य लीला है, ठाकुर की ये माधुर नरपद लीला है, इसलिए कृष्ण डर से बोल रहे हैं, ये कारण है। दूसरा कारण है श्री वल्लभाचार्य कहते हैं भगवान पर दोष लगेगा अगर भगवान झूठ बोले। तो उन्होंने दो कारण बताते हैं, बोले मैया तू कह रहे हो मैंने मिट्टी खाई, मिट्टी खाई कब, देख ये विश्व ब्रह्मांड तो मेरे मुंह के अंदर, जब हमसे कोई चीज अलग हो तब तो खाना होता है ना, लेकिन ये दुनिया तो मेरे मुंह में, तब मैंने खाया कब, ये पहला कारण। दूसरा कारण है कहते ना अहम भक्षी तबानम हो है, तब यहाँ पर कहते ना अहम है मैं नहीं मिट्टी खाई, जब उसको संधि विच्छेद करोगे, लेकिन जब संधि विच्छेद नहीं करे उसको जो जोड़ कर रखोगे शब्द होता है नाहम, नाहम का एक अर्थ होता है ब्रह्मांड। बोले मैया तुम मिट्टी की क्या बात करती हो, विश्व ब्रह्मांड तो खा करके भी रखा, देख तेरे विश्वास नहीं, देख रहे मुंह में ये विश्व ब्रह्मांड मेरे मुंह के अंदर में। इसलिए कृष्ण कभी झूठ नहीं बोले, कृष्ण जो कुछ बोलते कृष्ण सच्ची बोलते हैं, नहीं तो प्रभु के ऊपर में दोष लग जाएगा। इसलिए वल्लभाचार्य ने यहाँ पर उन्होंने दो कारण बताए ठाकुर जी से झूठ नहीं बोले हैं। इसलिए अभी प्रश्न होता है कृष्ण फिर मिट्टी क्यों खाए, इसका क्या रहस्य, इसको ऊपर में बहुत अच्छी अच्छी बात वल्लभाचार्य ने अपना टीका में बहुत अच्छी अच्छी बात बताई। उन्होंने क्या बताया फिर हम कल सुनेंगे, उन्होंने क्या क्या बताया इस विषय के ऊपर, कितनी कितनी अच्छी अच्छी बात बताई। ठीक है, बोले श्री मखन तो हाँ देखो कल जो है ना, कल से चैतन्य महाप्रभु संन्यास लिए थे कल का दिन, इसलिए कल मकर संक्रांति है, कल मकर संक्रांति, इसलिए कल का दिन और क्या था हाँ उसी दिन है गंगा सागर में चार स्नान भी गंगा सागर में, और हाँ हाँ वहाँ पर साल में श्री कपिल मुनि का जो दर्शन है, कपिल मुनि का जो दर्शन है वहाँ जो पानी है ना वो अपने आप नीचे आ जाता है। कहते साल में एक बार वो मंदिर दर्शन होता है, साल में एक बार, इसलिए कल भी गंगा सागर में हजार हजार लोग जाकर स्नान करेंगे गंगा सागर में, इसलिए गंगा सागर का कल स्नान है। लेकिन लोग तो जाकर गंगा सागर में नहाएंगे, लेकिन हम कथार भी गंगा में कल हम नहाएंगे। ठीक है, वो गंगा सागर से स्नान करी कथार भी गंगा में नहाने का उससे ज्यादा बात है। ठीक है, महाप्रभु कैसे संन्यास लिए, प्रभु कैसे लीला की, कल ठाकुर जी की संन्यास लीला को हम श्रवण करेंगे। बोले श्री सच्चिदानंद गौर हरि बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे।
हरे राम हरे राम राम राम